देखिए, चूंकि मणिपुर से लोगों का ध्यान भटकाना है और जब भी अडानी की बात होती है तो इन लोगों की इसी तरह की हरकत सामने आती है। अरे अडानी के साथ प्लेन में क्या कर रहे थे वो किसी ने नहीं बताया अभी तक। मणिपुर में क्या हो रहा था महिलाओं के साथ वो आज तक किसी ने नहीं बताया। और गृह मंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति अमित शाह ये कहता हो कि आप जो है पहले ये फुटेज दे देते तो पहले कार्रवाई हो जाती, इसका मतलब कहने का है कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरह से फेल है और आप इस देश के नाकाम गृह मंत्री हैं और आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। यही सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा कि आखिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया। दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के प्रधानमंत्री का, कि प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बुलाने के लिए और मणिपुर के सवाल पे उनसे मुंह में उंगली डाल के बुलवाने के लिए हमें आज वहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा है। ये लोगों ने बहुत साफ कहा, हम गिनती की लड़ाई में नहीं थे, हम देश बचाने की लड़ाई में थे। और 3 महीना हो गए मैं देश का गृह मंत्री रहा हूँ, किस काम का गृह मंत्री है, हर दिन सामने टॉप सेक्रेट करके आईवी का रिपोर्ट आता है, हर राज्य का आता है और इनको फुटेज नहीं मिला इसलिए ये कोई काम नहीं कर पाए। राहुल गांधी के अगर इंटेंशन को अपने बदनीयती से कवर करना चाहते हैं तो देश गवाह है आज कि मणिपुर का हत्यारा अगर कोई है तो भाजपा की सरकार, इनकी नियत और इनकी नीति। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।